तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं रेस्पोन का नया कलर और वर्शन आ चुका है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त गाड़ी है भैया। तो मैं फिलहाल खड़ा हूँ अपने होंडा के शोरूम के पास में, तो गाइस इस 2021 नया साल आने के साथ साथ ये काफ़ी होंडा ने लॉन्च कर दिया है अपना होंडा रेपसोल स्कूटर, यानी डियो DLX VLS 6 स्कूटर का एक ही कंपैरिजन का एक ग्राफिक्स के साथ नया स्कूटर लॉन्च कर दिया गया है। तो इसका नाम है रेपसोल होंडा डियो VLS 6 स्कूटर। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी कलर और ग्राफिक्स के साथ आता रहता है, और दोस्तों इसका कुछ रेसिंग ट्रैक के दौरान रेसिंग कलर के काफ़ी बहुत सारा कलर ग्राफिक्स लगाया गया है और इसमें कुछ चेंजेस नज़र आए हैं मेरे को इस स्कूटर में। और जी हाँ दोस्तों, 2021 में इसका बहुत ही कुछ अपग्रेडेशन और कलर भी देख सकते हैं, बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है। होंडा ने इसको और भी ज़्यादा अपग्रेड किया है पहले का सिस्टम से, पहले VS6 जैसे कि निकला था, और इस टाइम में भी और एक VS6 के साथ एक ग्राफिक्स और साथ ही साथ रेसिंग के लिए यहाँ पे एक ग्राफिक शानदार डिज़ाइन करके दिया गया है दोस्तों। सो दोस्तों 2021 मॉडल में इस यहाँ पे डियो का जो परचेस करना चाहते हैं तो गाइस इसका अभी निश्चिंत से आप परचेस कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही अपग्रेड के साथ साथ डियो का बहुत ही लुक ही चेंज कर डाला है दोस्तों। तो दोस्तों पीछे आप देख सकते हैं कलर और रेड कलर का हैंडल बार दिया गया है, वो भी काफ़ी बहुत ही शानदार है, और सामने का भी बिल्कुल मैचिंग है दोस्तों बीच में कॉवेल के साथ। और पीछे सबसे पहले खास बात मैं बताना चाहूँगा कि इसमें एलॉय चेंजेस कर दिया गया है दोस्तों, पहले था प्लेट डिक्स एलॉय था यहाँ पे, अभी दिखाया गया है यहाँ पे एलॉय सिस्टम, यहाँ पहले प्लेट का सिस्टम था, अभी यहाँ पे एलॉय का सिस्टम दिया गया है। पहले प्लेट करके यहाँ पे सिंगल सर्कल राउंड प्लेट दिया जाता था, अभी एलॉय सिस्टम दिया गया है पीछे में भी सामने में भी, और इसका सस्पेंशन भी काफ़ी ऊंचा कर दिया गया है पहले से। और बीच में अभी देख सकते हो कंपार्टमेंट, इसमें बहुत सारा सामान आप रख सकते हो। आप पीछे देख सकते हो अभी ये बेल्ट टाइप चेन नहीं रहता, बेल्ट टाइप की सिस्टम से रहता है दोस्तों। और बीच में सीट ये काफ़ी रिमेन सेम लग रहा है, खास करके चेंजेस यहाँ पे दो सिस्टम चेंजेस हो गए, एक तो ग्राफिक्स चेंजेस कर दिया गया और एक पीछे व्हील एलॉय यहाँ पे चेंज कर दिया गया, राउंड एलॉय यहाँ पे बाइक की जैसे तरह है, क्योंकि रेसिंग बनने वाले हैं, स्पीड होने वाले हैं ज़्यादा, इसीलिए पहले का जो स्कूटर था यहाँ पे टॉप स्पीड यहाँ पे 88 किलोमीटर यहाँ पे क्रॉस कर लेता था, जहाँ पे मैंने वीडियो बनाया है उसका आई बटन में लिंक दे दूंगा। तो गाइस ये रेसिंग के साथ साथ जो स्टिकर वगैरह दिखाया गया है तो ये कितना किलोमीटर क्रॉस करेगा मैं आगे आने वाले वीडियो में आप दे दूँगा यहाँ पे। तो गाइस काफ़ी स्पॉटी लुक के साथ अपनी होंडा स्कूटर यहाँ पे होंडा ने इस बार 2021 में लॉन्च किया है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा है दोस्तों। और आने वाला जिसको भी बंदा खरीदना चाहता है इसको अभी निश्चिंत से खरीद सकते हैं। इसका फ्यूल सिस्टम, इसके बारे में मेरे को दो आदमी ने पहले भी कमेंट करके चुका था जो कि गुजरात और हरियाणा से बिलोंग करता है वो लोग, तो गाइस इसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये स्कूटी बहुत शानदार और परफॉर्मेंस के साथ साथ है, और माइलेज के मामले में भी ये बहुत ही कड़क से ज़बरदस्त है। अगर अच्छा लगा तो परचेस कर सकते हैं, चैनल को भी अच्छा लगा तो लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों।